कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की परेशानी रह रहकर बढ़ जाती है। इस बार वाड्रा पर लंदन में उनके बेनामी घर को लेकर आरोप लग रहे हैं। लंदन में वाड्रा के बेनामी घर का खुलासा सरकार की जांच रिपोर्ट में हुआ है। खबरों की माने तो 2009 में हथियारों के एक विवादित सौदेबाज ने रॉबर्ट वाड्रा को लंदन में एक बेनामी घर खरीद कर दिया था। जांच में एक ईमेल का भी हवाला दिया गया है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी के बीच मेल में कई मैसेज का एक्सचेंज हुआ है। हालांकि वाड्रा के वकील ने लंदन में बेनामी घर होने के दावे को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले महीने एनफोर्समेंट एजेंसी ने वाड्रा के 18 ठिकानों पर छापा मारा था। छापे के बाद जांच एजेंसी ने 2 रिपोर्ट तैयार की, जिसमें वाड्रा और उनके सहयोगी के बीच मेल के जरिए लेनदेन के कई संदेश भेजे गए हैं। मैसेज में लंदन में घर के रेनोवेशन से जुड़ी कई बातें हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक 12 एलर्टल हाउस ब्रांस्टन स्क्वायर पर स्थित घर को करीब 19 करोड़ रुपए में खरीदा गया। खबर है कि यह सौदा अक्टूबर 2009 में हुआ था और जून 2010 में इसे बेच दिया गया। इस बारे में वाड्रा से जब मीडिया ने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने इस संबंध में कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। हालांकि उनके वकील ने लंदन में उनके घर होने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वाड्रा और उनके सहयोगी किसी भी तरह की डील से नहीं जुड़े हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। इधर लंदन में वाड्रा के बेनामी घर होने की खबर सामने आने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस और रॉबर्ट वाड्रा पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने ईडी को एक पत्र लिखा है, जिसमें वाड्रा के लंदन में बेनामी घर होने के दावे की पड़ताल करने की मांग की गई है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।